हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ये पांच वर्ड के मीनिंग को विथ एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में डेंस। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में? डेंस है। इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग होता है बेसिकली वहाँ वहाँ से वहाँ से, मतलब इसका एक सिनोनिम भी होता है देयर फ्रॉम। देयर फ्रॉम, ये एक मीनिंग होता है देयर फ्रॉम, वहाँ से। देखिए एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। द वाटर कलेक्ट्स इन अ पूल नियर द गेट, देंस इट ट्रिकल्स डाउन टू द रोड। ट्रिकल्स डाउन द रोड, इसका हिंदी में देखिए मतलब होता है पानी दरवाजे के पास एक पूल में इकट्ठा होता है वहाँ से। यहाँ पे देखिए मैंने देंस का प्रयोग किया है, वहाँ से। वहाँ से यह नीचे की ओर रोड पर बह जाती है। ओके, यहाँ पे ट्रिकल्स डाउन है, इसका मतलब होता है कि नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर बह जाना। पानी है तो पानी बह गया, अगर अगर दूसरा चीज, दूसरा कोई और चीज़ है तो वो भी मतलब नीचे की ओर जाना, उसको ही बोलते हैं ट्रिकल डाउन। इसका यहाँ पे मैंने एक देयर, देयर फ्रॉम भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका सिनोनिम होता है देंस का। तो यहाँ पे आप देयर फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे देयर फ्रॉम भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, देखिए अगला वर्ड हमारे पास में है डिम्यूर। डिम्यूर का मतलब होता है शर्मीला, शर्मीला या शर्मीली। यहाँ पे मैंने ला लिख ली लिख दिया है, बट यहाँ पे शर्मीला या शर्मीली दोनों भी हो सकता है। ये एक एडजेक्टिव है, क्या है ये? कि ये क्या एडजेक्टिव है? ये एक बेसिकली ये इम्पोर्टेंस बताता है किसी नाउन का, किसी पर्सन का। ओके, तो यहाँ पे शर्मीला है एक 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 बेसिकली यहाँ पे एक सिनोनिम भी होता है यहाँ पे इसका, जिसको हम शाई बोलते हैं, शाई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट देन अ डिम्यूर यंग वुमन एंटर्ड द रूम। जस्ट देन अ डिम्यूर वुमन एंटर्ड द रूम, यहाँ पे एक सेंटेंस है जस्ट देन। जस्ट देन यहाँ पे एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है तभी, अचानक तभी एक शर्मीली औरत रूम में आई। यहाँ पे इसका मतलब होगा ये सेंटेंस का, तभी एक शर्मीली औरत रूम में आई। यहाँ पे मतलब कोई रूम की बात किया जा रहा है जहाँ पे एक औरत आई है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास में है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट इसका मतलब होता है असंगत। क्या होता है? असंगत, सॉरी यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। असंगत मतलब नॉट रिलेवेंट, इसको एक, आ, एक इसका एक सिनोनिम होता है इररिलेवेंट। आप इसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इररिलेवेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। द टॉक शी गेव, द टॉक, यहाँ पे इसको अभी स्पीच भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको टॉक एंड स्पीच दोनों सिनोनिम है। यहाँ पे द टॉक शी गेव वॉज इनकोहेरेंट एंड बैडली प्रिपेयर्ड। यहाँ पे द टॉक शी गेव वॉज इनकोहेरेंट एंड बैडली प्रिपेयर्ड, इसका देखिए हिंदी में मीनिंग क्या होता है। भाषण जो उसने दिया वह असंगत और बुरी तरह से तैयार था, मतलब बहुत ही बुरी तरह से तैयार किया हुआ भाषण था, और वो इनकोहेरेंट था। इनकोहेरेंट मतलब वो मतलब रिलेटेड नहीं था, वो इररिलेवेंट था। वो जो भाषण दिया गया है, वो कोई भी अगर भाषण जो दे रहा है, वो मतलब टॉपिक से अलग था। जो टॉपिक पे, जो जिस टॉपिक पे देना था भाषण, वो टॉपिक पे नहीं था। तो इसका मतलब ये होगा इनकोहेरेंट, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, आगे देखिए फियास्को, एक वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है फियास्को, बहुत ही जगह पे यूज़ किया जाता है, न्यूज़पेपर में भी यूज़ किया जाता है। तो आपको इसको पता, आपको इस ये वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। क्या होता है मतलब? कंप्लीट इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। हिंदी में देखिए असफलता, असफलता या नाकामयाबी। क्या होता है? यहाँ पे ये नाकामयाबी होता है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, द मीटिंग वॉज कंप्लीट, द मीटिंग वॉज अ फियास्को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द मीटिंग वॉज अ फियास्को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यहाँ पे इसका मतलब है देखिए, जो शुरू शुरू से लेके अंत तक मीटिंग
नाकामयाबी या पूरी तरह से असफल थी, पूरी तरह से असफल थी, जो मतलब जो मीटिंग था वो पूरी तरह से असफल थी शुरू से लेके अंत तक। इसका मतलब ये होता है द मीटिंग वॉज अ फियास्को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अगला वर्ड हमारे पास में एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है महत्व डालना। क्या होता है? महत्व डालना या महत्व डालना या और भी मतलब होता है सुस्पष्ट करना। सुस्पष्ट सॉरी करना, अब इसका मतलब है सुस्पष्ट करना या और भी ज़्यादा अच्छा बनाना, और भी ज़्यादा अच्छा बनाना, अच्छा बनाना। इसका देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। सी यूजेस मेकअप टू एसेंचुएट हर ब्यूटीफुल आइज। एसेंचुएट हर ब्यूटीफुल आइज, इसका देखिए हिंदी में, वह अपने सुंदर आँखों को और भी सुंदर बनाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती है। वह अपने सुंदर आँखों को और भी सुंदर बनाने के लिए, किसी चीज़ को और भी अच्छा बनाने के लिए, यहाँ पे इसका मतलब होता है एसेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसी के सेंस में यूज़ किया गया है कि आँखों को और सुंदर, अच्छा और सुंदर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है एक लेडी इस्तेमाल करती है। ओके, यहाँ पे और ये अंत था वीडियो का। थैंक यू वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।